ये तो अब्दुल बारी है, ये तो अच्छा बच्चा है, ये दुआएं सीखता है, अच्छी बातें बताता है। आओ सीखे अब्दुल बारी के संग। मेरे पैसे बच गए, मेरे पैसे बच गए, मेरे पैसे बच गए। ये देखो आपा, मेरे पैसे बच गए। कैसे पैसे? और ये उछल क्यों रहे हो? ये देखो आपा, मैंने सोचा था कि ये चॉकलेट और पेंसिल लेने पे पूरे पैसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन दुकान वाले चाचा ने मुझे 10 रुपए लौटा दिए। अच्छा, वाह, तुम्हें तो ये सामान बहुत सस्ता दे दिए चाचा ने। शायद उन्हें पता था कि ये मेरे ईदी के बचे हुए पैसे हैं। अरे, उन्हें तुम्हारे ईद के पैसों से क्या? खैर आपा, तुम्हें पता है आज सुबह मैंने सलीम को गलती से 5 गोटी ज्यादा दे दिए, जबकि उसने 3 ही जीते थे, और जब मैंने उसे वापस मांगे तो उसने देने से इनकार कर दिया। अच्छा, ये तो बहुत बुरा हुआ, ये बिल्कुल गलत है, गलती से भूल कर ज्यादा। अरे अब्दुल बारी, क्या हुआ आपा, तुम रुक क्यों गए? आओ मेरे साथ। लेकिन कहा? अरे अरे आपा, क्या हुआ? तुमने दुकान वाले चाचा को 30 रुपये दिए थे ना? हाँ, दिए तो थे। और उन्होंने तुम्हें 10 रुपये लौटा दिए? हाँ, वही तो मैंने तुम्हें बताया, लेकिन तुम्हें अचानक क्या हुआ आपा? देखो, शायद उन्होंने तुम्हें गलती से भूल चुक में ये पैसे वापस दे दिए, क्योंकि चॉकलेट और पेंसिल सेट्स के तो 30 रुपये ही होते हैं। ऐसा नहीं है, ये तो उन्होंने खुद मुझे वापस दिए। देखो अब्दुल बारी, जिस तरह सलीम को भूल से तुमने 3 गोटी ज्यादा दिए ना? हाँ। उसी तरह चाचा ने भी दिए होंगे। हाँ, लेकिन सलीम ने तो झूठ कहा। तो क्या अब हम भी झूठे बन जाए? चलो चलकर चाचा से पूछ लेते हैं, अगर बराबर हो तो ये पैसे तुम्हारे, वरना हम उन्हें ये लौटा देंगे। रुक जाओ आपा, क्यों लौटा देंगे? अरे उन्होंने ही तो दिए है, और अगर ज्यादा भी दे दिए तो उन्हें थोड़ी ही पता है, ना ही किसी और को पता, तो हम ये पैसे रख लेते हैं ना। अल्लाह हमें माफ करे, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, ऐसा करने से हम झूठे और मक्का की गिनती में होंगे। भले चाचा या किसी और को नहीं पता, लेकिन अल्लाह तो हर बात को जानते हैं। भले कोई नहीं देखता हो, लेकिन अल्लाह की नज़र से कोई नहीं बचता। और अगर जानकर भी हम पैसे नहीं लौटाएंगे तो अल्लाह इस पर सवाल करेंगे। सोचो हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे। या अल्लाह, अगर ऐसा करने से हम झूठे और बेईमान बन जाएंगे तो मुझे हरगिज नहीं चाहिए ये पैसे। चलो हम चाचा के पास चलते हैं। माशाल्लाह, ये है हमारा अब्दुल बारी, जो एक सच्चा और नेक बच्चा है। अरे वाह बच्चों, माशाल्लाह, मैंने भूल कर तुम्हें पैसे वापस दे दिए थे। तुम लोग तो बिल्कुल ऑनेस्ट ईमानदार हो। ये लो, ये चॉकलेट्स तुम्हारी ईमानदारी के बदले इनाम है, ये लो, रख लो इसे। नहीं चाचा, हमने ये अच्छा अमल अल्लाह को खुश करने के लिए किए हैं, तो इनाम भी हम अल्लाह ही से लेंगे। हाँ, अगर आपसे इनाम ले लिए और आखिरत में इसका इनाम ना मिला तो। अरे बाबा बाबा बाबा, अरे बाबा, माशाल्लाह। अच्छा बच्चो, मैं भी अल्लाह से दुआ करूँगा वो तुम्हें इसका अच्छा बदला दे। ठीक है चाचा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहो बच्चों, खुश रहो, माशाल्लाह। वाह आपा, हमने नेकी का काम किए और बेईमानी और झूठ से बच गए, अल्लाह हमसे खुश होंगे ना? हाँ इंशाल्लाह, और आखिरत में इसका इनाम भी देंगे। चलो जल्दी, मैं ये पूरा वाकया अम्मी को सुनाऊंगा।